सर जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बेटी उल्का गुप्ता, जिन्होंने बाल कलाकार झांसी की रानी सीरियल में मनु का रोल किया, तो उनका क्या संघर्ष रहा? आपने तो उन्हें गाइड भी किया होगा कि आप उन्होंने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम किया, इतनी बार अवार्ड जीते, तो आप अपनी बेटी को आज किस नजरिए से देखते हैं कि उन्होंने मेरे जैसा काम किया, जो मैंने इतना स्ट्रगल करके मुंबई आया तो मेरी बेटी ने भी इतना काम किया, तो आप क्या कहना हाँ, चाहेंगे अपनी बेटी को मैं लेकर? ये कहूंगा कि हमारे यहाँ कहावत है, पुत्र बढ़े पिता के घर में, केसी उपजे अपने घर में। तो जी जी पुत्र और संतान जो है ना, अपने पिता के धर्म और कर्म की वजह से फलीभूत फलीभूत होता है। जी जी तो मेरा जो जो मुझे मिलना था मेरे संघर्ष का, वो भगवान को शायद उसके जरिए दिलवा दिया उन्होंने जी कि भाई जी बेटा तेरे को शायद 40,000 उपयोग है, तेरे को दूंगा, बाद में दूंगा। ये लड़की को तेरे तेरे को थोड़ा मुझे शांत करने के लिए भगवान ने ऐसा किया। जी और सर नो डाउट वो मेहनत तो उसने की, वो बहुत मैंने एक्टिंग उसको सिखाया, ये बात सही है। मैं जी लेकिन जी क्या सीखना, तो मैं एक्टिंग तो खून में ही है उसके, जी तो बस इंटेलिजेंट होना चाहिए एक्टर को। तो जी वो सीख गई जल्दी से, जी घोड़ा वोड़ा उसने सीखा, गिरी जी गिरती थी घोड़े से तो वो सीखती थी। जी पर एक बार फिर घोड़े का जब उस टाइमिंग समझ में आया, तो घोड़ा पर लेते दो तलवार लेके जो दौड़ती थी, उसको कोई रोक नहीं सकता था। फिर जी जी तो स्टंट खुद ही करती थी ना, वो किसी से डबल ड्यूक नहीं लेती थी। जी सर जी और फिर नाम ऐसा कमाया कि उसकी वजह से 17 कंट्री घूम कर आ गया। तो जी सर वो फिर तो वो तो सेलिब्रिटी बन गई बड़ी। यस यस सर जी यस नाम है उनका आज जी आप कभी तो जी बोलिए। क्या क्या बोलिए। हाँ, मैं पूछ रहा था कि आपकी बेटी ने जो ये रोल किया मनु, जो कि आज की स्त्रियों के लिए, औरतों के लिए एक उदाहरण दिया है उन्होंने, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल प्रेजेंटेस किया है कि मैं एक लड़की होकर भी मैंने इतना बड़ा काम किया, तो आप जब अपने माँ बाप अपनी बेटी या अपने बेटे को इस मुकाम पर देखते हैं तो उन्हें कितनी खुशी होती है, तो आपको ही पता है सर जी, तो आप ही बता सकते हैं, तो बताइए सर जी। खुशी तो बहुत होती है, मतलब इतनी हुई थी, मतलब क्या बताऊं कि क्या बताऊं मैं। मतलब इसके लिए देखो क्या होता है कि आज उसकी वजह से मॉरिशस का राष्ट्रपति, मॉरिशस गए थे तो वहां के राष्ट्रपति ने, तो बिहारी मूल के हैं, भारत मूल के हैं, उन्होंने रात्रि भोज दिया जी और उल्का के नाम से। और बड़े बड़े पोस्टर थाईलैंड हो जहां जहां गए, उसका बड़ा बड़ा कटआउट जो अमिताभ बच्चन के साइज का फोटो देखता था जब मैं आता मुंबई, तो उसमें मेरी बेटी का फोटो देख खुशी होती है। मैं नहीं पहुंचा, ये तो पहुंची, तो वैसा वाला फील होता था रोज। और क्या बोलूं, अब तो ये मतलब अभी बुरा भी नहीं लग रहा, बुरा भी लगता कई बार, कलाकार मैं हूँ कि जीटीवी से कोई अवार्ड से उसके नाम से पासेस आते हैं, जी सर उल्का गुप्ता +1, मेरे नाम से नहीं आता ना। जी तो वहाँ कलाकार को थोड़ा सा लगता जी है। और बाकी एज ए फादर मैं हैप्पी हूँ, जी पर एज ए कलाकार मुझे लगता है जो मेरा जो ड्यू है वो मुझे नहीं मिला अभी जी सर अभी। मतलब जी उल्का गुप्ता जैसे आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, जी तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में उल्का गुप्ता है जी जी आपके दिमाग में, तो जी जी सर यस यस इसीलिए मेरी मेरी अपनी पहचान कहाँ है। जी जी सर यस यस जी तो सर बाकी 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 तो खुशी हूँ कि मतलब खुश हूँ कि मेरी औलाद है, आगे बढ़ी है, नाम कमाई है और आगे बढ़ रही है, सिम्बा में भी अच्छा रोल की और भी आगे करेगी जैसा भी है। तो बस यही है, खुशी तो होगी ना। अभी मेरा एक और बेटा है, वो भी डायरेक्टर बनना चाहता, तो जी सर सीखेगा। फिर छोटी वाली बेटी वो भी सिंगर बनना चाहती है, सीख रही है सब। सबको निकालते निकालते मैं कब निकलूं, उम्र तो अरे मैं अपने साथ वाले को देखता हूँ ना कि वो लोग भी तो जम के बस गए। तो जी यस यस अभी क्या होता है कि
कि ड्राइवर है, कार है, ये है वो है, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जी जी लोग उल्का के ऑटोग्राफ ज्यादा लेते हैं। जी जी। अरे हाँ आप भी ट्रैक्टर हैं जी, तो मेरे से भी लेते हैं। जी जी। तो जो क्रेज उल्का के लिए वो क्रेज मेरे लिए नहीं है। यस यस सर। ठीक है। तो सर जी हमारा एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि अपने जो अपने माता पिता हैं वो सोचते हैं कि मुझे जो नहीं मिलना चाहिए था वो मेरे बच्चों को मिल गया, राइट? तो क्या माता पिता को जो नहीं मिला वो अपने बच्चों को मिल गया, तो क्या माता पिता ये नहीं सोच सकते कि ये भगवान ने शायद जो मेरा जो स्ट्रगल था ये अपने बच्चों पर डाल दिया, भगवान ने इनकी झोली में डाल दिया मेरा स्ट्रगल? आप इस बात से कहाँ तक एग्रीड है? नहीं, ये पुरानी सोच है। जी जी, आप समझे मेरी बात? जी जी। राजेश खन्ना बैठ गया था और उसकी बेटी टुक्कल खन्ना को काम मिल रहा था। जी जी, समझ रहे हैं? जी जी। तो राजेश खन्ना को उसको उसको छोटी छोटी फिल्म भी नहीं मिलती थी ऑफर हो रही थी, ये जो अभी मरने से पहले पूछा। टुक्कल खन्ना अक्षय कुमार के साथ शादी की तो उसकी छोटी दूसरी बेटी को भी काम मिल रहा था। जी जी। ये इंडस्ट्री बड़ी वो डोगली इंडस्ट्री है। जी जी सर। जिसका जिसका चल रहा है उसके पीछे भागते हैं लोग। जी जी सर। जब राजेश खन्ना का पीक पीरियड था तो उसके पीछे भाग रहे थे, जब देखा ठंडा हो गया तो भूल ही गए। जी जी। तो ऐसा है, तो कलाकार जो चुपचाप रहेगा, अकेले रहेगा, जब लाइट ऑफ करके सोचेगा तब उसको लगता है कि यार मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है। जी जी। वो क्वेश्चन करता है खुद से। जी जी सर। यस यस। अरे लाख औलाद है ना, तो औलाद के औलाद को जो रेड कार्पेट में तो प्रेस मीडिया उसको घेर दी है ना, आपको तो नहीं घेरती है। यस यस सर। यस। तो मैं भी तो किसी माता पिता का बेटा हूँ। यस यस। हाँ, उनका भी नाम कम। मुगल वंश की स्थापना तो मैंने की थी ना इस इंडस्ट्री में। यस यस सर जी। यस। तो फिर मैंने शुरुआत किया था ना, एक एक टॉप सीखते सीखते यहाँ तक पहुँचा। जी जी। मुझे उसका मुझे मिलना चाहिए ना उसका प्रसाद। जी जी सर। यस यस। ये मैं सोचता हूँ, बाकी बाकी अमिताभ बच्चन अगर अब जरूरत देखो, जैसे कि देवानंद का बेटा जी जी नहीं बन पाया, अमिताभ का बेटा बहुत चांस दिया नहीं टिक पाता, अभी मनोज कुमार का बेटा जी नहीं कर पाया, जी जी राजेंद्र कुमार का बेटा कुछ दिन तक चला अच्छा। जी जी। तो वही है, औलाद बाप का कॉन्फ्लिक्ट तो जमाने से चलता आ रहा है, कोई आगे कोई 19 कोई 20। जी जी सर। जो जैसा करोगे, लेकिन यस मुझे सेटिस्फेक्शन इस बात का है। जी जी। कि मैं बनिया परिवार से आके, जो रूढ़िवादी परिवार से आके कला के बारे में सोचा, जो बिहारी लोग आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं वो एक्टर बनने के लिए सोचा। जी जी। वो मेरा एक्टर बना, स्टार बना ना ईश्वर के हाथ में। जी जी। यस यस।